कुल्लू जिले के मनाली में बर्फबारी हो रही है। जिले के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही इलाके में ठंड बढ़ गई है और तापमान भी माइनस में चला गया है। प्रशासन ने लोगों और सैलानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मनाली में हो रही बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने मनाली लेह हाईवे को बंद कर दिया है। सभी तरह के वाहनों को मनाली से नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत होगी। नेहरू कुंड से पलचान तक केवल 4x4 वाहनों को ही जाने दिया जाएगा। अटल टनल से लाहौल स्पीति की तरफ आवाजाही भारी बर्फबारी के कारण पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। मनाली डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर लगभग 3 फीट, सोलंग वैली में 1.5 फीट, कोठी बैरियर में लगभग 2 फीट तक बर्फ जमी है। मनाली के रोहतांग, देवटिब्बा, सोलंग वैली, हामता सहित अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल, पलचान कोठी तक बर्फबारी हुई है। विंटर गेम्स के शौकीन लोगों के लिए बर्फबारी चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। सोलंग वैली में विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्ड और स्नो स्कूटर जैसी साहसिक गतिविधियां होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। न्यूज डेस्क, एनवन लाइव।